में माता रानी का आशीर्वाद है जो आपका मार्गदर्शन करे। आपने हमें आशीर्वाद दिया, प्रसाद दिया, अब हमें पूरा यकीन है कि आप कोई ना कोई रास्ता जरूर ढूंढ निकालेंगे। देवी मैया का प्रसाद। अरे आप रहने दीजिए रानी साहब। ओ नेगेटिव। जी शुक्रिया। दीप, हमने कहीं सुना है कि अगर होने वाले माँ बाप के ब्लड ग्रुप एक जैसे नहीं हो तो परेशानी होती है। वो परेशानी सिर्फ तब होती है जब माँ का ब्लड ग्रुप नेगेटिव हो और बच्चे का पॉजिटिव। अच्छा, आपका ब्लड ग्रुप क्या है? हमारा ए बी पॉजिटिव। और चीजा जी का? इनका इनका भी ए बी पॉजिटिव है, इसलिए तो हमारे होने वाले बच्चे को कोई भी परेशानी नहीं होगी। इसका मतलब है दीप, अर्नव जी का भी ब्लड ग्रुप ए बी पॉजिटिव ही होगा ना, क्योंकि आप दोनों तो भाई बहन हैं। ऐसा नहीं होता खुशी जी, छोटे का ब्लड ग्रुप तो ओ नेगेटिव है। हमें सब पता चल गया, इस सब के पीछे आप ही का हाथ है, और हमें यह भी पता है कि वो कागजात आप ही ने लिए थे। अर्नव जी को आप ही ने किडनैप किया है, और अब ये मत सोचे कि आप बच जाएंगे, क्योंकि आपके जूते पे अर्नव जी का खून है और इसका सबूत है हमारे पास। इसलिए ये मत सोचिए कि आप देखो खुशी जी, इस सब के पीछे कोई एक्सप्लेनेशन जरूर होगा। मैं मानता हूं कि वो फोन वाली बात सही है, आपका नन्नव से मिलना, नन्नव का किडनैप होना, ऐसा हुआ होगा। मैं मानता हूं, नहीं मैं मानता हूं ऐसा ही हुआ है खुशी जी, बट ये बात कि इन सब में जीजू का हाथ है, इट्स इम्पॉसिबल। खुशी जी मैं मानता हूं कि ब्लड ग्रुप सेम था, पर इसका मतलब ये तो नहीं ना कि वो ब्लड नन्नव का ही है। एक बार सोच लीजिए, हो सकता है आपसे कोई गलती हुई हो। हम गलत नहीं है नन्हे जी, हम जानते हैं उन्हें, और ये आज की बात नहीं है, धोखा देना उनकी पुरानी आदत है, वो हमेशा से बुरे थे और बुरे ही रहेंगे। खुशी जी लेकिन आपको इतने यकीन से कैसे पता है कि सब कुछ जीजू ने किया? कैसे? हाउ? हमने कहा ना आपसे, वो पेपर्स पे साइन करवाना, जूते पे खून। ठीक है, कुछ नहीं पता हमें, लेकिन हम जानते हैं कि ये श्याम जी का ही काम है, आप माने या ना माने, समझे आप?
ने कहा था ना ननेह जी कि आप हमें इतने वक्त से जानते हैं, हम कुछ भी कर सकते लेकिन झूठ नहीं बोल सकते। तो यही सच है ननेह जी, हम सच बोल रहे हैं। इस सब के पीछे सिर्फ श्याम जी का हाथ है। आपको हमारे बात पे इसलिए विश्वास नहीं हो रहा क्योंकि आप अपने जीता जी को उस तरह से नहीं जानते जिस तरह से हम जानते हैं। आपको अभी भी लग रहा है ना कि हम झूठ बोल रहे हैं? नहीं नहीं खुशी जी, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है ननेह जी, हम समझ गए कि आपको हमारी बातों पर विश्वास नहीं है, तो एक काम कीजिए, अब हमें पक्का पता चल जाएगा कि इस सब के पीछे श्याम जी का हाथ है कि नहीं। हे जीजू, इनके आप गए नहीं? हमें तो लगा आपका कोई प्रोग्राम था शाम का। ओह वो, सॉरी जीजू, मेरी डेट कैंसिल हो गई। ओहो, चलो कोई नहीं, बाद में बन जाएगा प्रोग्राम। आप एक काम कीजिए, आप ये कुर्ता अपने पास रख लीजिए। हाँ, ये कुर्ता? थैंक यू सो मच जीजू, यू आर अमेजिंग। लेकिन आई एम सॉरी जीजू, मैंने आपकी इज्जत लिए बिना आपके जूते भी ट्राई कर लिए, लेकिन मैं सोच रहा हूँ इस बार इंडियन के साथ साथ कुछ इंडियन होना चाहिए, जैसे मोजरीज। जीजू, ये क्या है? क्या ये स्टेज? ये रेड सा स्टेन, ये कैसे लगा इस पे? कहां से आए ये बताइए जीजू, मुझे तो लगा अब कुछ नहीं कुछ नहीं, इनके वो जूता है बस, कुछ ना कुछ लग गया होगा। ओके जीजू, कोई बात नहीं जीजा जी, नो प्रॉब्लम। यू नो व्हाट, मेरे पास एक स्पेशल शू प्रोडक्ट है, इफ यू वांट मैं स्टेन को एक मिनट में गायब कर सकता हूँ। हाँ दीजिए, अभी लेके मैं। नहीं बिल्कुल नहीं, हमारा मतलब था वो इनकी इतनी बड़ी बात नहीं है, हम साफ करवा देंगे, हम पॉलिश करवा देंगे, ठीक है? ओके जीजू, नो प्रॉब्लम। तो आपको हमारी बात पर विश्वास है ना? खुशी जी प्लीज रिलैक्स कीजिए, खुशी जी आप फिलर मत कीजिए, सॉरी आई मीन फिकर मत कीजिए, मैं आपके साथ हूं ना, देखना हम दोनों बहुत जल्द
नन्नव को उनके चुंबक से छुड़ा के लेके आएंगे। यस। चुंबक नहीं नन्ही जी, चंगुल। सॉरी, चंगुल। खुशी जी, हमें केयरफुल रहना होगा, बहुत केयरफुल। जीजू क्या करते हैं, कहाँ जाते हैं, क्या बोलते हैं, हमें उनके हर चीज पर नजर, आई मीन आईज रखनी होगी। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।